हेलो गाइस, हम आज फाइनली उनके ऑफिस में पहुंच गए जो कि 3-4 साल में बहुत उन्होंने अपनी बिजनेस को ग्रो कर लिया था। हम वही सर है, उनसे कुछ देर बात करेंगे। जरा प्लीज सर बैठ सकते हैं पे। क्या नाम है सर आपका? उमा शंकर। ठीक है सर, हम कुछ इनसे कुछ बात करने वाले हैं। ये 2014-15 में हमारे साथ पार्टनर करते थे, काम किया करते थे। अभी उनकी देखो खुद के बिजनेस है, आपके सब कुछ लेके बैठे, थोड़ा इन्होंने इनकम भी ज्यादा बना लिया। तो हम इनके बारे में, इन्होंने कैसे बिजनेस को ग्रो किया, तो इसके बारे में बात करेंगे। सर बताइए अपने बारे में। मेरा नाम उमा शंकर शर्मा है। हाँ जी, मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। फर्स्ट मैं जॉब कर रहा था रेस्टोरेंट में, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि हम साथ में जॉब करते थे दोनों, हम दोनों साथ में जॉब करते थे। वहाँ से धीरे धीरे हमने हमारा बिजनेस स्टार्ट किया और वहीं से अपना काम चालू किया। हमने सबसे पहले आपको अपनी बिजनेस शुरू की? मैंने पहले 2017 में मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था, छोटा सा रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था, तो वहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सुनो गाइस, ये रेस्टोरेंट में हमारे साथ 14-15 में नौकरी करते थे, आज अचानक 2-3 साल में इतने हाई प्रोफेसर बन गए, तो आप इतने आगे कैसे बढ़े, किस तरह से आप बने? ऐसे तो आप होटल में ही थे हमारे साथ। एक्चुअली मैं 2017 में जॉब कर रहा था, जिस टाइम में रेस्टोरेंट में हमारे वहाँ पर डेकोरेशन का काम होता था, तो कस्टमर पर्सनली खुद आते थे, उनको छोटा छोटा काम करना होता था, तो वो खुद बदलू कर जाते थे। तो वो बोलते थे कि आपके पास कोई स्टाफ है जो डेकोरेशन कर रही है, तो मैंने बोला कि ये श्योर हम कर सकते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, फर्स्ट वर्क 300 रुपीज़, देन सेकंड वर्क 500 रुपीज़। उन्होंने पहली जॉब 300 से शुरुआत की है, आज लगभग उनकी टर्नओवर बहुत हाई है। तो देखो गाइस, 300 से जब शुरुआत करके आज ये इस तरह से रहना, मतलब मामूली बात नहीं है। और जरा आप 300 से जब शुरुआत किया, उसके बाद फिर क्या हुआ? 300 के बाद मैंने 500 का काम किया, 800 का काम किया, उसके बाद 1500 का काम किया। सिचुएशन कुछ ऐसी भी थी कि मेरे को महीने में कभी एक काम मिलता था, कभी 2 महीने में एक काम मिलता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने मेहनत की, मेरे पास अभी कोई जॉब करता था, मेरे पास एक बंदा जॉब करता था और मैं जॉब करता था। December 17 तक मैं जॉब करता था। फर्स्ट ऑफ जनवरी को मैंने अपना लास्ट जॉब किया, उस टाइम पर मैंने जॉब छोड़ दिया था। जब मैं जॉब करता था उस टाइम पर मेरे पास बंदा काम करता था, बट हमारे फील्ड में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आपने इस तरह की सोच दिया, तो कुछ मेहनत, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ रस्ट हुआ होगा, तो तब आपको क्या फील हुआ? बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो फर्स्ट में मेरा पर्सनल कर्जा भी था यहाँ पे सब कुछ था, तो मैंने पहले उसको रिकवर किया। उसके बाद धीरे धीरे चलने लगा, तो मैंने जॉब छोड़ने की सोचा, पर मेरे फैमिली मेम्बर ने, मेरी वाइफ ने, सब ने मेरे को मना किया कि जॉब मत छोड़िए, जॉब मत छोड़िए। तो फिर मैंने लास्ट डिसाइड कर लिया कि मेरे को जॉब छोड़ना ही नहीं। देन मैंने उनको बोला कि मैं 15,000 कमाता हूँ, मेरा बिजनेस चले या ना चले, मैं आपको फिर 15,000 दे दूँगा। देखो गाइस, ये महीना की 15,000 रुपये कमाते थे, फिर भी जब के दिन के 300-500 के पीछे उन्होंने अपनी 15,000 की जब छोड़ दी, तो उसके बाद अपने कंटिन्यू के लिए किस तरह से आपने इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा डेकोरेशन की, मतलब किस तरह आपने ये देर किया? देखो क्या होता है कि जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब के बाद मैंने सोचा कि अभी कुछ हो या ना हो, एक्चुअली जो धीरे धीरे चल रहा था उसमें मैंने इतना कवर कर लिया था कि मैं 6 महीने बैठ के खा सकता हूँ। तो मैंने यही सोचा कि मैं अभी जॉब छोड़ता हूँ और 6 महीने तक करूँगा, अदरवाइज मेरा बिजनेस चलता तो ठीक है, बाकी मेरे को जो जॉब करता था वो पेड मेरा था ही सही, मैं 6 महीने बाद भी उसमें जाना चाहता तो जा सकता था। तो मैंने जैसे जनवरी में जॉब छोड़ी, मैंने उसके बाद कंटिन्यू मेहनत करना स्टार्ट किया, कंटिन्यू काम करना स्टार्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से ऐसे ऐसी जगह पर भी जाना, जहाँ पर 10-10 बार मेरे को जाना पड़ा, वहाँ पर मेरे को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो फिर भी मैं गया। देन फिर धीरे धीरे ये सब सेटल हो गया। अच्छा, उसके बाद कभी आपको ऐसा है कि कोई जॉब से बेटर है या बेटर ये धंधा से बेटर जॉब, ऐसा हुआ कभी आपको?
की अपने तो बहुत कष्ट रख लिए थे। नहीं देखो, फील तो सब कुछ होता है, ये कि जॉब बेटर है कि बिजनेस बेटर है, बट आज मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने बिजनेस से और मैं जहाँ पे भी हूँ सही जगह पे। ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे को ये धंधा दिया, ये सब कुछ दिया। थैंक यू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। अब 2020 की लगे ही आपकी ऑफिस की हो गई, सब सेटलमेंट हो गए, तो अब इसके बाद क्या इरादा आपका, क्या करने का, क्या सोच रहे हो? मेरा इरादा यही है कि आज हमारी एक ब्रांच है, नेक्स्ट ईयर दो ब्रांच हो, तीन ब्रांच हो, कंटिन्यू हम ये चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं कि अहमदाबाद में ऑल ओवर हर एरिया के अंदर हमारी ब्रांच हो, ठीक है, और हम इसी बिजनेस में आगे ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपकी तरह मुझे बनना है तो फिर मुझे क्या करना होगा? उसके लिए आपको लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना लालच के काम करना पड़ेगा। अपने दिमाग में कुछ भी ऐसी चीज ना हो कि आज तो मैं 15,000 रुपए कमा रहा तो कमा रहा हूँ, 300 रुपए 400 रुपए मिल रहे हैं तो मेरा उसमें क्या होगा, तो वो सब चीजें नहीं, धीरे धीरे ही ग्रोथ होता है। ओके, आप हमारे सब्सक्राइबर लोगों को तो आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी हर चीज में। ठीक है, देखो गाइस, हमने बाकी बात तो समझ लिया, किस तरह इन्होंने कष्ट किया था, अभी कहाँ से कहाँ पहुँच के कुछ साल में, 2000 इसने बोला आपने 17 से स्टार्ट किया, 2017 मतलब 2017 से आपने शुरुआत की, 2017 से लेके 2020 तक इन्होंने इतनी ग्रो कर दिया, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मोटिवेशन सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ संघर्ष करना है तो उनके साथ आइए और इनसे सीखिए, और इसके बाद आपकी क्या इरादा है, और दो तीन ब्रांच हो या और भी ब्रांच हो तो इससे आपको क्या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट तो होगा ना, जितनी ज़्यादा अभी ईयरली हमारा टर्नओवर 1 करोड़ सुनते ही, तो आगे अगर एक ब्रांच है इतना टर्नओवर तो आगे ज़्यादा ब्रांच होगी तो ज़्यादा टर्नओवर होगा, और यही चाहते हैं हम लोग कि अहमदाबाद नहीं और हमारे गुजरात और इंडिया में शायद टॉप पे जावे हमारी इवेंट कंपनी। हर आदमी का ड्रीम यही होता है कि 2017 में मेरे साथ काम करने वाले इंसान आज 1 करोड़ की लगभग हरा हरे में, 1 करोड़ के हरा हरे में उनकी कैपेसिटी है, मतलब देखो 300 से लेकर आज कितना साल हो गए, 3 साल में लगभग करोड़ों की हरा हरे मानना, मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, और हमें भी अगर कुछ सीखना हो तो आपके पास आए, और जरा आपकी जो आपने जो जो किया है और कार्यशील उसका जरा तस्वीर बता दें हमारे यूट्यूब को, तो कि आपकी कंटेक्ट से हम आपके पास आ सकें। थैंक यू।